नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भगवान शंकर को श्रावण का महीना बहुत ही प्रिय है। इस महीने में आने वाली अमावस को सावन अमावस या श्रावण अमावस भी कहा जाता है। इस दिन व्रत पूजन व दान आदि देने का विशेष महत्व है। साल 2022 में कब आएगी हरियाली अमावस और इसका व्रत व पूजन कैसे करें, यह सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली अमावस का अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसे ही सावन के महीने में आने वाली अमावस को अत्यधिक विशेष माना गया है। हमारे देश के कई हिस्सों में इस अमावस को सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के लिए श्रावण अमावस्या या चंद्रमा का दिन महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन को विभिन्न संस्कृतियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नामों से जाना जाता है। आइए जानते हैं हरियाली अमावस की तिथि और मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस को हरियाली अमावस के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या सामान्य रूप से जुलाई व अगस्त के महीने में आती है। सावन माह हिंदुओं के लिए अनेक पर्व और त्योहार लेकर आता है। हरियाली अमावस की तिथि 28 जुलाई 2022 गुरुवार है। इसकी पूजा का मुहूर्त जुलाई 2022 को रात्रि 9:11 से और अमावस की तिथि समाप्त होगी 28 जुलाई 2022 को रात्रि 11:24 तक। आइए जानते हैं हरियाली अमावस के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली अमावस के अवसर पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना बेहद शुभ माना गया है। सावन अमावस्या के दिन पितरों व पूर्वजों की आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तर्पण व पूजन आदि अनुष्ठान कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस पर तर्पण व पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त आप हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, यह काफी शुभ होता है। हरियाली अमावस के दिन मुख्यतः पीपल तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी का वास माना गया है तथा इनकी पूजा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। हरियाली अमावस पर प्रति वर्ष एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आइए जानते हैं हरियाली अमावस का वैज्ञानिक महत्व। अमावस तिथि को हिंदू धर्म में धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि की वजह से बहुत महत्व दिया गया है। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है, इस वजह से इसे श्रावण अमावस भी कहा जाता है और भक्त लोग इसको बड़े भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधों में ईश्वर के वास की धारणा को महत्व देकर उनकी पूजा का विधान है। इस पर्व पर जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि हरियाली अमावस पर लोग पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा बनाए रखने का संदेश देते हैं। ऐसी कौन सी धार्मिक अनुष्ठान है जो कि हरियाली अमावस पर किए जाते हैं? श्रावण अमावस्या के दिन पितृ पूजा के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। हिंदुओं के अनुसार कुछ खास महीनों की अमावस्या पर पितृ पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। उन्हीं में से एक श्रावण अमावस्या है। इस दिन परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा पैतृक पूजा की जाती है और पूर्वजों को तर्पण किया जाता है। इसके पश्चात विशेष तरह का भोजन ब्राह्मणों को कराया जाता है। हरियाली अमावस्या तिथि पर भक्तजन भगवान शिव को सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं।
भगवान शंकर के भक्त शिव मंदिर जाकर जल दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या किसी मनोकामना के लिए व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में अमावस्या तिथि पर शिव पूजन करने से भक्तों को सौभाग्य, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के आस्था रखने वाले श्रावण अमावस्या का व्रत भी जरूर करते हैं। इस दिन भक्त जन प्रातः काल उठकर अमावस्या व्रत को आरंभ करने से पूर्व पवित्र स्नान करते हैं। इसके पश्चात धार्मिक अनुष्ठान करने के साथ साथ सभी देवताओं की आराधना करते हैं। हरियाली अमावस्या का जो लोग व्रत करते हैं वे इस दौरान केवल एक ही बार भोजन करते हैं और संध्या के समय अपना उपवास पूरा करते हैं। और जो लोग सर्वशक्तिमान का पूजन करते हैं वे इस दिन उपवास करते हैं और उन्हें समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण अमावस्या के अवसर पर देश के कई हिस्सों में बड़े उच्च स्तर पर मेले भी आयोजित किए जाते हैं, जहां पर लोग विशेष प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का तथा कई मनोरंजन गतिविधियों का लुत्फ उठाते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास बातें जो कि आप हरियाली अमावस के दिन कर उसका लाभ उठा सकते हैं। सूर्य उदय होने पर आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्घ देना चाहिए। आपको इस दिन आटे की गोलियां बनाकर किसी भी तालाब या नदी में मछलियों को खिलाना चाहिए। इस दिन आपको जरूर एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इस दिन गरीब या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना चाहिए। श्रावण अमावस के दिन आप घर के पास की चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिला सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और उसका परिक्रमा करनी चाहिए तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाने की परंपरा है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर हमसे कोई त्रुटि होगी है तो हमें माफ कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की।